बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी सानिया हमीद क्लास चार उनकी उर्दू के साथ नए यूनिट के साथ यूनिट नंबर 6 शिकायत के साथ हाजिर हूँ, और जिसमें आपको लोक कहानी मिलेगी बोलने वाली मछली। तो चलिए मेरे साथ अपना ग्रुप पेज नंबर ओपन कर लीजिए और जैसे मैं पढ़ूँ मेरे साथ साथ उसी लफ्ज़ का फिंगर रखकर घर पर पढ़िएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट, ये है यूनिट नंबर 6 हिकायतें जो हैं इसमें मोनस है, यानी मोनस के तौर पर हिकायत इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कहानी या दास्तान, हिकायत उसको कहते हैं। अब हम अपने अपने लेसन की तरफ चलते हैं जो कि है लोक। ओके स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 2127 पर है लोक कहानी। लोक कहानी का मतलब है पुरानी कहानी या पुरानी दास्तान। ओके स्टूडेंट, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में कुछ कहानियाँ सीना बिसीना चलती आती हैं, यानी दुनिया के तकरीबन हर इलाके में कहानियाँ जो है दौर वाइज यानी दौर के हिसाब से चलती भी आ रही हैं। मतलब ये कि ये कहानियाँ कहीं तहरीर नहीं हैं, ये कहानियाँ कहीं पे भी लिखी हुई नहीं हैं, बल्कि लोग एक दूसरे को सुनाते भी आ रहे हैं अब लोग इन कहानियों को लिखने लगे हैं ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी इन कहानियों से लुत्फ़ उठा सकें। यानी इसका मतलब ये है कि ये कहानियाँ कहीं लिखी हुई नहीं है, तहरीर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे को सुनाते भी आ रहे हैं, लेकिन अब लोग जो हैं वो इन कहानियों को लिखने लगे हैं ताकि लोग इन कहानियों को सुनकर लुत्फ़ उठा सकें या लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान के हर सूबे और इलाके की मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं। उनकी सच्चाई और हकीकत का तो कोई सबूत नहीं, लेकिन ऐसी दास्तानें सुनने वालों को कुछ सबक देती हैं और कहानी सुनने सुनाने का शौक़ पूरा करवाती हैं। अब हमारा है ये तो लोक कहानी के बारे में हो गया। अब लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वो है बोलने वाली मछली। लेसन बहुत दिलचस्प है, गौर से पढ़िएगा भी और सुनिएगा भी। बहुत साल पहले की बात है, दरियाए सिंध के किनारे पुराबाद एक गांव में सच्चल नाम का एक आदमी रहता था। यानी दरिया सिंध के किनारे एक गांव आबाद था, यानी किनारे पर आबाद एक गांव, सच्चल नाम का एक आदमी रहता था उस गांव में। सच्चल बहुत गरीब था, वो साइन डिनो नाम के मछेरे के लिए मछलियां पकड़ता था। एक दिन सच्चल ने एक बहुत खूबसूरत मछली पकड़ी। मछली सच्चल से कहने लगी, देखो भाई, मेरा दम घुट रहा है और शायद मैं मरने वाली हूँ, तुम मुझ पर तरस खाओ और मुझे वापस पानी में फेंक दो। सच्चल को बहुत रेम आया और उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। साइन डिनो जो कि उसका वो उस्ताद था जिसके लिए वो मछलियाँ पकड़ता था, वो साइन डिनो था। साइन डिनो ने जब ये देखा तो बहुत नाराज़ हुआ और उसने सच्चल को नौकरी से निकाल दिया। बेचारा सच्चल अफसुर्दगी से यानी दुख से गम से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी नज़र आया, उसके पास एक बहुत खूबसूरत गाय थी। उस आदमी ने सच्चल से कहा, परेशान ना हो, तुम ये गाय ले लो। सच्चल के पूछने पर उस आदमी ने कहा, तुम 3 साल के लिए गाय रख लो, मैं 3 साल बाद आऊँगा और तुमसे 3 सवाल पूछूँगा। अगर तुमने उन सवालों के सही जवाब दिए तो ये गाय हमेशा के लिए तुम्हारी होगी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सच्चल ने वो गाय रख ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। 3 साल पूरे हुए और वो आदमी सच्चल के घर आ गया। उसने सच्चल से कहा, अब वो उसके सवालों के जवाब दे। सच्चल बहुत परेशान था कि अगर वो जवाब ना दे सका तो वो आदमी उसको अपने साथ ले जाएगा। उस दिन सच्चल के घर एक अजनबी मेहमान भी आया हुआ था। अजनबी कहते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं होती, उसको अजनबी कहते हैं। मेहमान ने जब सच्चल को परेशान देखा तो कहा, घबराओ नहीं, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा, और उसे सवाल पूछने के लिए कहा। आदमी ने पहला सवाल पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती। नौजवान ने जवाब दिया, वो चीज़ उम्र है जो हमेशा बढ़ती है कभी कम नहीं होती। सही है ना बच्चों, हमेशा उम्र आगे की तरफ जाती है, कभी पीछे की तरफ वापस नहीं आती है, तो हमेशा उम्र बढ़ती है कम नहीं होती है। उसने दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ वो क्या चीज़ है जो हाथी से ज़्यादा बड़ी लेकिन रूई से ज़्यादा हल्की है। वो चीज़ हवा है जो हाथी से बड़ी मगर रूई से ज़्यादा हल्की है। तीसरा सवाल यह है कि वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन फिर भी सच बताता है। मेहमान नौजवान ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, वो चीज़ है आईना जो गूंगा है, बहरा है, अंधा है लेकिन फिर भी सबको सच बताता है।